दोस्तों, अगर आप एक नई यूट्यूबर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल हो सकती है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं ना जो नया चैनल बना लेते हैं और चैनल बनाने के बाद अपने वीडियोस को अपलोड करना शुरू भी कर देते हैं, पर उसके बाद क्या होता है, किसी को भी बताते हैं भैया हमारा ये चैनल है, चैनल खोल कर रखे हैं, तो चैनल आप चेक कर लो और सब्सक्राइब कर देना। पर जब वो चैनल चेक करते हैं तब वहाँ पर उनको चैनल मिलता ही नहीं है, तो आपका चैनल सर्च लिस्ट में आता ही नहीं है, तो कैसे होगा। सर्च लिस्ट में चैनल को कैसे लाना है, इसके ऊपर मेरा आज का पूरा वीडियो है, पूरा ट्यूटोरियल है। आपका वीडियो सर्च लिस्ट में आएगा, 100% आएगा। बस जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके को आप फॉलो करो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, स्किप मत करना, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताता हूँ, मैं हूँ दीपक मिश्रा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, क्रोम ब्राउजर को छोड़ के, क्योंकि क्रोम ब्राउजर में क्या प्रॉब्लम है ना कि अगर आप अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन रखते हो तो क्रोम ब्राउजर क्या करता है, वहां पे जाकर अगर आप यूट्यूब स्टूडियो ओपन करोगे तो डायरेक्टली आपको ऐप पे आपको ट्रांसफर कर देगा, तो आपको ऐप पे नहीं आना है, आपको किसी भी ब्राउजर में यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ओपेरा मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ओपेरा मिनी ही इस्तेमाल करें क्योंकि बहुत ही अच्छा है। तो मैं मिनी तो नहीं, मैं ओपेरा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना चैनल ओपन कर लिया है, ये एक नया चैनल है, इस पर भी कोई खास वीडियो मैंने नहीं डाला है। ठीक है, तो ये चैनल के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो बस आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ। आपको चैनल पे आ गए हो, चैनल पे आने के बाद क्या करना, आपको यहाँ से जूम करना, कोने पे चल जाना, कोने पे आपको एक सेटिंग का बटन दिख रहा है, ठीक है, आइकॉन दिख रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग के आइकॉन पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग है जो आप नहीं करते हो, तो वो आप कैसे करना है वो आप देख लो। ठीक है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे आप चैनल के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है आप देख लो। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले कंट्री सिलेक्ट करना है, यहाँ यूनाइटेड स्टेट है तो मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करता हूँ सबसे पहले। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ कंट्री है मुझे यहाँ पे सजेस्ट करेगा, तो मुझे अपना इंडिया यहाँ से देख लेना कि इंडिया कहाँ पे है, और इंडिया के ऊपर मुझे डायरेक्टली क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंडिया के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो इंडिया हो गया। अब क्या करना, आप सबसे इंपॉर्टेंट काम कि आपका चैनल सर्च लिस्ट में कैसे आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे है कीवर्ड। कीवर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ पे कीवर्ड है। कीवर्ड में आपको क्या करना, कोई टैग्स नहीं लगाने हैं। ठीक है, आपको अपने चैनल का नाम लिखना है, किस तरीके से लिखना है वो आपको बताता हूँ। जैसे मेरे यहाँ पे चैनल का नाम है फाइंड फैक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फाइंड फैक्ट लिखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे फाइंड फैक्ट, मैंने यहाँ पे फाइंड फैक्ट लिखा, तो ये एक मेरा एक टैग हो गया। पर इसके साथ सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है, अब इसको डिफरेंट वेज में लिखना है। ठीक है, इसको डिफरेंट वेज में कैसे लिखना है आप देख लो। ठीक है, मैंने यहाँ पे फाइंड फैक्ट लिखा, अब मैं यहाँ पे हैशटैग लगा के लिख देता हूँ एक बार। ठीक है ना, तो फाइंड फैक्ट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, एक और टैग तैयार हो गया। अब मुझे यहाँ पे कुछ और तरीके से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी लिख दो क्योंकि लोग किसी भी तरह से आपके चैनल को सर्च कर सकते हैं, है ना। तो मैं यैहाँ पे और भी तरीकों से लिख देता हूँ। ठीक है, तो एट द रेट ला के लिख देता हूँ, फाइंड फैक्ट। ठीक है, ये भी लिख दिया, और यहाँ पे फैक्ट, सिर्फ फैक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, फैक्ट लिख दिया, फाइंड लिख दिया। ठीक है ना, अब फाइंड जेड लिख दिया। ठीक है, अब फाइंड फैक्ट, फाइंड फैक्ट जी लिख दिया। ठीक है, अब इसको अलग अलग करके लिख लेता हूँ, यहाँ पे फाइंड फैक्ट जी। ठीक है, ये डिफरेंट वे में मैंने यहाँ पे लिख लिया। आपको आपके चैनल के अकॉर्डिंग और भी कोई डिफरेंट वे हो लिखने का, कोई और तरीका हो, तो उस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, और नहीं तो और आपको एक खास बात बताता हूँ। ठीक है, आप अगर किसी और लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, इंग्लिश में तो है ऑलरेडी। ठीक है, आपको बंगला में, हिंदी में, या मराठी में, या तमिल में, किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ से अपने चैनल का नाम लिख सकते हो। बस अब आपका चैनल सर्च लिस्ट में आना है, तो आपको सर्च करने के लिए लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको यहाँ पे बस सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, इतना काम बस आप अपने चैनल पे कर दो। 100% बोल रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे का टाइम लगेगा, उसके बाद आपका चैनल सर्च लिस्ट में आने लगेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था जो कि आपको करना है अपने चैनल पे। और दोस्तों, इसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको नहीं समझ में आता, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर करूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं ना, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर देते हो पर बेल आइकन कॉल पे क्लिक नहीं करते, तो आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो प्लीज नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन कॉल पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, चलते मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।